शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शांति ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, इंडिया में ही बेस्ट इक्विपमेंट एंड बेस्ट फैसिलिटीज हमारे ही हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हर साल टॉप के डॉक्टर्स और टॉप के सर्जन हमारे ही हॉस्पिटल से निकलते हैं, और अब हमने डिसाइड किया है कि शांति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल रशियन मेडिकल एकेडमी के साथ टाई अप करके एक कदम और आगे बढ़ेगा। On the same occasion, I would like to announce one more thing. For the first time in the history of our college, the students have selected their own leader. It's none other than final year student, Mr. Arya. Thank you, sir. Welcome. All the best. Thank you, sir. So, what are the plan for this year? College mein discipline ka na hona, I think one of the main reasons is ragging. इस रैगिंग को बंद करना और स्टूडेंट्स के बीच में एकता पैदा करना, उसके लिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स को साथ लेके एक एंटी रैगिंग स्क्वाड तैयार किया है। कल जो जूनियर्स आने वाले हैं, उनको भी मैं फ्रेंडली वेलकम करने की सोच रहा हूँ। गुड। फर्स्ट नाइट को डेकोरेट करना बहुत मजा आता है, लेकिन कॉलेज के पहले दिन डेकोरेट करना बहुत मुश्किल जी। इसका समय अच्छा है, हमेशा फायदा उठाता है। हे क्या डिलीवरी वार्ड में थके हुए डॉक्टर की तरह सब नजर आ रहे हो? अरे हमारी बात छोड़ो जी, अरे हम सब यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, अरे तू क्या हिलाते हुए आ रहा है? चेतन, तुझे तो बताइए ना यार, बॉडी को फिट रखने के लिए जिम और ब्रेन को फिट रखने के लिए योगा, और तुम जैसे गंदे लोगों के साथ घूमता हूँ ना, इसलिए स्टीम बात। सुनो, सारे अरेंजमेंट रेडी है? हाँ जीजू, रेडी जीजू। जीजू बोलता है। वेलकम करने के लिए बोर्ड लगे हैं, और सबको समझाने के लिए साइन बोर्ड और नोटिस बोर्ड, और सबको देने के लिए फ्लावर्स कल रात को ही ला कर लॉक करके मैंने ही रखे हैं जीजू। क्या बोलता जी? थैंक यू, माई ड्यूटी। अरे ये क्या जी, हम सब आर्या आर्या कहके बुलाते हैं और तू जीजू कर रहा है? फर्स्ट ईयर में आर्या की बहन है इसलिए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, जीजू के पास ब्रेन है, मेरे पास बॉडी है, हम दोनों मिल जाए ना पूरा कॉलेज हमारे हाथों में होगा, समझे? आपको क्यों नेवज लगता है जी? हमको लगता है तेरी बॉडी को बेंड करके, जीजू के ब्रेन को फ्राई करके, ऐसे दोनों को टक्कर देने के लिए एक आएगा खिलाड़ी। तुम्हारे पास एक सुंदर बॉयफ्रेंड है कृष्णा, और वो तुम्हें सच में बहुत चाहता है। अरे भैया उधर देखो जी, मेरे हाथ भी देखो ना कृष्णा, अमूल बेबी जैसे तुम्हारे आगे पीछे हम रहते हैं, और अजय देवगन की तरह उसके चारों तरफ लड़कियां देखो। अरे क्यों से पंगे ले रहा है, जा दो ना। तुम रुको ना जीजू, इसको ऐसे ही छोड़ दिए तो कॉलेज को मैटरनिटी वार्ड बना देगा। हाँ जी, मैं हैंडल करता हूँ ना। हाँ कृष्णा, मुझे बुलाया ब्रदर? तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आना। गर्ल्स हम फिर मिलेंगे, बाय। क्या यार, लड़कियों के हाथ पकड़ रहा था? नहीं सीनियर, बस सिर्फ हाथ देख के भविष्य बता रहा था। तू वो भी जानता है क्या? पाम रीडिंग बता रहा और कहता है कि जो वो बोलता है सच होता है। जो कहता हूँ वही होता है। अगर तुम चाहो तो मैं आर्या का हाथ देकर बता दूंगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। भैया हाथ दिखाओ ना, भैया प्लीज, भैया सुनो तो, जो कुछ बताना है मुझे बता। तुम्हारे लिए हाथ देखने की जरूरत नहीं है, फेस देख के बता सकता हूँ कि आने वाले 10 सेकंड में तुम्हारा थोबड़ा बिगड़ने वाला है। कैसे? ऐसे। तेरी तो मैं। भैया 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 हाथ दिखाओ ना, भैया एक मिनट रुको तो भैया। वाह वाह क्या हाथ है भैया। क्या होने वाला है? होने वाला है छोड़ो, सब कुछ हो चुका है। ये जो दो रेखाएं दिख रही है ना, उसमें से एक रेखा कह रही है कि तुम बहुत बड़े लीडर बनोगे। हमारा दोस्त तो ऑलरेडी लीडर है। हाँ? लीडर मतलब कॉलेज या कैंपस का लीडर नहीं। हाँ? पूरे स्टेट में बड़ा लीडर बनने वाला है। लेकिन ये दूसरी वाली रेखा में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस रेखा के हिसाब से तुम्हारी एक छोटी सी बहना है, और वो बहना एक वेस टपोरी और फालतू बंदे के साथ शीघ्र ही प्यार का नाटक शुरू करेगी। राजा तुम ही क्या? वो इससे भी बड़ा होगा। वो कौन बे? वैसे इस कॉलेज में वेस टपोरी और फालतू बंदा मेरे सिवा और कौन हो सकता है? पकड़ो उसे। अरे भाग ले ना भाई। कल ही मैंने तुम्हारी बहन को देखा भैया। So,
अंधे लोग अपनी जिंदगी का क्या अनुभव करते हैं, हम भी उन्हीं की तरह 30 मिनट के लिए अनुभव करके देखेंगे इसे बांधकर। अरे बाप रे, 30 मिनट आंख में पट्टी बांध ली तो 10 मिनट में कोई कुछ भी कर सकता है, उसके बाद किसने किया हमें पता थोड़ी ना चलेगा। अब समझ लो तुम्हारी बहन मुझसे ही प्यार करेगी। ओए तेरी तो मैं, ओ सॉरी, आज से मैं तुम्हें भैया नहीं बल्कि साले जी कह के बुलाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं। बाय साले जी। बे क्या बक्के क्या बे? ए, वो तो पागल है, उसके कहने से हो जाएगा क्या? मेरी बहन अच्छी तरह जानती है किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्या कहा, मेरे भाई को बताया? हाँ यार, मैं तो कहूंगी तुम आज से थोड़ा केयरफुल रहा करो। भला मैं क्यों केयरफुल रहूं? उसी को रहना होगा। वही तो है, उसने तेरे भाई से कहा कि तुझे लव करूंगा। उसने कहा कि मैं प्रिया से लव करके दिखाऊंगा और तुम लोग डर गए? उसकी वॉक तो देख और स्टाइल तो देख और अब स्माइल देख। उससे पहले देख उसके हाथ में पिज्जा का बॉक्स है। I love you. पहले मुझे खाने दे। Okay, okay, love you. Wow, thanks, darling. मैंने जितना सोचा था उतनी complicated नहीं हो तुम। थोड़ी मोटी हो, लेकिन प्यार में मजा आएगा। मुझे तो पसंद आ गई। Hello. Hello. तुम खाओ ना जानू। Okay, okay. अपने प्यार के खातिर तेरे भाई के साथ मैं वॉर के लिए भी रेडी हूँ। Hello. Hello. तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हें बर्गर भी लाके दूंगा। और तुम खाते हुए मैं तुम्हारा चेहरा देखते हुए हम दोनों गहरे प्यार में डूब जाएंगे। इधर आओ। बर्गर में एक्स्ट्रा चीज चाहिए? ओके, तुम एक्स्ट्रा लार्ज हो ना, इसलिए तुम्हें हर चीज एक्स्ट्रा लार्ज ही पसंद है। हेलो हेलो बाय। हेलो, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। किसके हाथ में पिज्जा देकर मेरे बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं इतना भी नहीं समझूंगी? तुम्हारी एंट्री से ही मैं समझ गई कि तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। वैसे तुम हो कौन? SS कृष्णा, ऑर्फन मैडम, ऑर्फन हूँ। इधर उधर से डोनेशन जमा करके, रात दिन मेहनत से पढ़ाई करके, करंट हो तो हॉस्टल में, नहीं तो स्ट्रीट लाइट के नीचे, बहुत मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाकर, इस कॉलेज में सीट हासिल करके, स्टाइफन जमा करके, पिज्जा हट में क्यू लगाकर, एक पिज्जा खरीद कर, इस मोटी को देकर जब उसे लाइन पे लाया तो तुम जेलस फील करके मुझसे प्यार करोगी ऐसा सोचा था। लेकिन तुमने पता लगा लिया, सब सच सच पता लगाया। तुम सब क्यों रो रहे हो? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितना दुखी है बेचारा। प्रिया, तुम्हें उसको सॉरी बोलना चाहिए। मैं उसे सॉरी बोलूं क्या? तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। यस। इतनी मेहनत करके बॉडी बना के फल खाने का वक्त आया, तो चलो देखते हैं। ए, फर्स्ट नाइट के लिए दरवाजा खटखटा रहा है क्या? तोड़ दे मैं। ए, लाइट ऑन करो। ए, पिघलो मत यार, हम दारू पीने नहीं आए, हम इसको मारने आए हैं। अभी चार राउंड लेंगे तो चार थप्पड़ मार पाएंगे। वैसे भी चार साल यही रहने वाला है, इतनी जल्दी छोड़ेंगे क्या उसको? आओ मत यार, क्या बचो बचो, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी बैठो ना यार। आओ मत पियो, मत पियो, मत पीना यार। अबे इसने इसमें भी कुछ ना कुछ मिला दिया होगा यार। शराब नकली हो सकती है, लेकिन ये दोस्त जो पार्टी दे रहा है ना, वो तो असली जी। तुम भी पियो ना जी। हाँ भाई लोग, तुम लोग पियो आराम से, एकदम आराम से। सीनियर हो, पीना पड़ेगा। पिया पिया पिया, फोड़ दिया। क्या है ये सब? साले जी आओ ना, आप ही एक पैक लगाओ। What the hell is happening here? सर, इस टाइम कौन वॉचमैन आ गया क्या? सर गुड मॉर्निंग जी, कंबाइंड स्टडीज जी। कंबाइंड स्टडीज फोर्थ ईयर फर्स्ट ईयर। सर एक्चुअली कृष्णा ने हमें पार्टी में बुलाया था। शट अप कृष्णा। सर
सर किस लिए फोन किया? ये सब क्या हो रहा है? रैगिंग सर, रैगिंग। रैगिंग? कॉलेज में तो बैन कर दिया लेकिन हॉस्टल में तो चल रही है सर। जस्ट आपके आने से पहले सर, इफ यू डोंट माइंड, भाई तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना। देखिए सर, देखिए, टेंटे 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 टेंटे। करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट। देखिए ना सर, मान गया वो, इन्होंने डांस भी करवाया सर। हम क्या जी? और इतना ही नहीं सर, एक अनाथ लड़के के लिए इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है सर। जरा देखिए उसका लिए के हाथ में, अपने लिए स्पेशल ड्रिंक मंगवाई थी सर उसने। टोटल बिल करीब 10,000 हुआ सर। 10,000 क्या? शट अप, व्हाट इज दिस आरिया? मैंने सोचा तुम्हारे फ्रेंड बहुत डिसेंट होंगे। नो, इट्स डिसगस्टिंग एंड वेरी बैड ऑन योर पार्ट। इसके पैसे इसे लौटा दो। सर ये दे दूं क्या जी? हां ओके सर, ये तो डुप्लीकेट है सर, वो भी ओएलएक्स से सेकंड हैंड मंगवाया है सर। सर कैश दिलवा देंगे तो बेहतर होगा। ये लो दे दो सर। सब अपने कमरे में जाओ, जाओ। दो तीन चार सर, काला मंकी सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज इसको जाने के लिए कहिए ना। जाता सर। वेलकम टू ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज तुम जो क्लास अटेंड कर रहे हो वो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में है। ये मेडिकल साइंस में बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट है। आज ये क्लास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर्या लेगा। ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। So today I'll teach you cardiac anatomy and I'll show you how to dissect the human heart, which is the toughest human body part to dissect. अब क्या हुआ? उधर देखो कृष्णा को, बेचारे कितने डल है। सॉरी बोलो जल्दी। इतना सब कुछ करके अब सॉरी की उम्मीद कर रहे हैं मुझसे? मजा चखाती हूँ इसे। ठीक है, सॉरी बोल लेना इसे। हाँ बुलाओ, मैं बोल देती हूँ। कृष्णा, 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 प्रिया सॉरी बोलेगी, आ जाओ आ जाओ। कहूंगी सॉरी कहूंगी, लेकिन तुम्हारी उस नौटंकी के लिए नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद मैंने तुम्हें नहीं मारा ना, उसके लिए। मेरे भाई को वायलेंस से नफरत है। फ्यूचर में अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो उनके सामने तुम्हें मार नहीं पाऊंगी ना, इसलिए एडवांस में सॉरी बोल देती हूँ। हैप्पी? इसी खुशी में तुमको भी तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। जब ब्लाइंड डे हुआ था तो तुम्हारे पास आकर किस मिस किया था उसके लिए सॉरी। फ्यूचर में तुम्हारे नॉन वायलेंस भाई को जर्क देने वाला हूँ और बहुत टॉर्चर भी करने वाला हूँ, उसके लिए एडवांस में एक और सॉरी। यू आर सो सुपरमैन? नो। स्पाइडरमैन? नो। बैटमैन? कृष्णा, यू थ्री इधर आओ। कम ऑन लेडीज। हाय साले जी, स्टॉप कॉलिंग मी जस्ट। ओ हाँ ठीक है। कैन यू टेल मी द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दिस सब्जेक्ट? एक हार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक आदमी का हार्ट निकल के मर्डर करने को कह रहे हो डॉक्टर? ये ओवर एक्टिंग बंद करो, ये ऑलरेडी एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी कैन नॉट टॉक साली जी। ही डाइड फ्रॉम अ कार्डियक अरेस्ट। जानते हो उसका मतलब? हार्ट अटैक यार। जब तुमने इतना भी पता नहीं तो तुमने एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास किया? ऑल थैंक्स टू षणमुख शर्मा। वो कौन है? एग्जाम में मेरे आगे बैठा था और बहुत इंटेलिजेंट था, उसके कंट्रीब्यूशन से ही मैं कॉपी करके पास हुआ हूँ। व्हाट? यस, योर्स फेथफुली एस एस कृष्णा, एमबीबीएस, एफआरसीएस, लंदन। शेमलेस फेलोज। सर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करके और वहाँ से अकाउंट्स पासवर्ड लेके मैं भी डिकोड किया होगा सर। आईपी एड्रेस? सर आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस आपके सिवा और कौन जान सकता है? सर समटाइम्स अगर सिस्टम में प्रॉब्लम हो या सर्वर डाउन हो तब बाहर से टेक्नीशियंस आते हैं उसे ठीक करने के लिए, और वही लोग बाहर जाके आउटसोर्स करते हैं। सैटेलाइट डी लिंक करके दोबारा टेलीकास्ट करने में कितना समय लगता है? सर 10 to 15 minutes। टू मिनट्स? जब तुम्हारे चैनल पर लाइव मर्डर टेलीकास्ट हो रहा था तब तुमने 2 मिनट में सैटेलाइट डीलिंग क्यों नहीं किया? मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। सर ये बॉस का केबिन है, कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसा क्या? कम जी। या नो नो सर, डू इट। ये क्या सर, परमिशन के बिना आप अंदर आ गए? अब बोलिए। यू नो व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग बिकॉज़ ऑफ दिस इशू, और उसको सॉल्व किए बिना आप यहाँ आके हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम और मेरी ड्यूटी दोनों मुझे पता है। तुम्हारे चैनल को हैक करके किसी ने सेंसेशनल न्यूज़ दिखाई और तुम लोगों में इतनी सेंस नहीं है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे लाइव टेलीकास्ट दिखाया। अरे तुम में इतनी भी समझ नहीं कि उसे नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल है हमें, जो हो रहा है उसे पब्लिक को लाइव में दिखाना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे क्या खाक है रिस्पॉन्सिबिलिटी,
जब रेप रॉबरी और मर्डर होता है तो उसे दिखाने के लिए फिल्म वालों की बराबरी करके री रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके ये न्यूज शाम को 6 बजे आएगी, इसका कई बार प्रोमो दिखाते हो। अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जनता को क्या दिखा रहे हो ये तुम्हें समझ में नहीं आता। देर आर नो मोर न्यूज चैनल्स इन इंडिया, ओनली एंटरटेनमेंट चैनल्स। इस लाइव इशू को आधार बना के मैं कोर्ट से ऑर्डर लाकर तुम्हारे चैनल को बंद करा सकता हूँ। बंद करा दे। बंद करा दे। ये मेरा ऑफिस है, यहां सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। कुछ कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा था ना, लेके आके बंद कराने का दम है तुझमें? तू जिस पोजीशन में है तेरे पास पावर हो सकती है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा पॉलिटिशियंस की पावर मेरे पीछे है। स्टेट से लेकर सेंट्रल तक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उन्हें अपनी पोजीशन सेफ करने के लिए मुझसे मदद लेनी पड़ती है। बकवास लोगों को भी भगवान का रूप देकर उन्हें बढ़ाने का काम हमारी न्यूज चैनल करती है। अगर तुझमें दम है तो जिसने हैक किया है उसे जाकर पकड़, नहीं तो सीबीआई एंड हिज पावर्स 1 घंटे का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम तैयार करवाता हूं, आप वहां आकर बोलिए। मेरी परमिशन के बिना किसी को 1 सेकंड की भी फुटेज मत देना। आउट। श्योर। सीबीआई भाई, तुम ठीक ही कह रहे थे, जनता को एंटरटेनमेंट ही चाहिए, न्यूज बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो इतने चैनल्स क्यों हो जाते हैं? उसके लिए तो न्यूज़पेपर ही काफी है। यू हैव अ लॉजिक ऑलवेज। सेल्फी प्लीज। अब हमारी चैनल की टीआरपी कैसी है? जब से लाइव मर्डर टेलीकास्ट हुआ है टॉप पोजीशन पे। गुड। एक काम करो, हमारे चैनल को खुद ही हैक कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, नेक्स्ट लाइव मर्डर, बहुत जल्दी ऐसा एक कैप्शन दीजिए, जनता टीवी से चिपक कर बैठ जाएगी। अभी पीछे जो इंक्वायरी करने आया था उसके पास जाकर हमारे चैनल को फिर से किसी ने हैक कर लिया है ऐसी कंप्लेंट लिखवाइए। सर ऐसा करना हमारे लिए गलत होगा ना सर, जर्नलिज्म में कुछ एथिक्स पॉलिसीज होते हैं ना सर। मेरी तो सिर्फ एक ही पॉलिसी है, मैं एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रौंदने के लिए तैयार रहता हूँ।